वहीं रायपुर में हुई भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। आपको बता दें शहर के श्यामनगर इलाके के निचली बस्तियों में पानी भर गया है, लोगों के घरों तक में पानी चला गया है। जल भराव के बाद श्यामनगर इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने, देखिए। मैं अभी श्यामनगर इलाके की निचली बस्ती में मौजूद हूँ और यहाँ पर रायपुर में हुई मूसलाधार बारिश से पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर कुछ रहवासी उनसे बात करते हैं, बताइए कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बरसात के समय, ऐसे पानी भरता है तो? जी सर, यहाँ हर साल का यही है और ये देखो ना, बिजली खम्बा ट्रांसफर वगैरह है, करंट वरेंट कभी भी आ सकता है। नगर निगम को इसको कुछ अच्छा ठोस इसका विकल्प निकालना चाहिए, क्योंकि हर साल यहाँ पानी भर जाता है, पूरा घर में पानी भर चुका है यहाँ का, और ये तो कम है, इससे भी ज्यादा भर जाते हैं सर। आप लोगों ने नगर निगम से बातचीत तो की होगी? जी सर, अब हम लोग तो आज तक ऐसा नहीं किए हैं, पर उनको खुद देखना चाहिए सब। कोई आता है नगर निगम का अधिकारी बारिश के समय? कोई नहीं सर, यहाँ कोई चेक वेक करने नहीं आता है, पानी पूरा भरा हुआ है, कहाँ से निकलेगा, इसका पासिंग वासिंग कुछ बनाना चाहिए जी। तो निश्चित तौर पर नगर निगम को इस ओर ध्यान देना हो। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।